हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में मैं गुलाब जामुन का रेसिपी बनाने वाली हूँ। गाइस, ये देख सकते हैं, यहाँ पे गुलाब जामुन का मैंने पैकेट लिया हुआ है। ये है चितले फूड्स। गाइस, इसका ये देख सकते हैं, चितले फूड्स का मैंने गुलाब जामुन का पैकेट लिया हुआ है और ये इंस्टेंट बनता है। गाइस, ये है 200 ग्राम का गुलाब जामुन। तो इसके पीछे का देखते हैं गाइस, यहाँ पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं। यह बनाना बहुत ही आसान है गाइस, तो इसीलिए आजकल मार्केट में पैकेट अवेलेबल रहता है तो फिर हमें रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है और इंस्टेंट बन जाता है ये। तो चलिए गाइस, हम लोग इसी को बनाते हैं। सबसे पहले चाशनी बनाने की तैयारी करती हूँ गाइस। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें एक बड़ा बॉल शक्कर भर के लिया है गाइस, और उतना ही पानी मैं ऐड करूँगी जितना मैंने शक्कर लिया है। और इसमें अब मैं इलायची डालूँगी गाइस। ये मैंने इलायची ले लिया है और इलायची को थोड़ा कूट लूँगी। कूटने के बाद इसका फ्लेवर अच्छे से मिल जाएगा चाशनी में। ये देखिए, इसको डाल देती हूँ और केसर भी इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसको गैस में चढ़ाते हैं और धीरे धीरे थोड़ा भी हिलाएंगे गाइस, बड़ी चम्मच की मदद से। मैं इसको मिला ले रही हूँ थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ी धीरे धीरे गर्म हो रहा है मैं इसको मिलाते जा रही हूँ। और एक बार जब बॉयल आ जाएगा गाइस, तो ये बॉयल आने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस पकाना है। इसको पतली तार और ऐसा कुछ बनाना नहीं है, स्टिकी ज़्यादा नहीं बनाना है गाइस, क्योंकि इसकी चाशनी पतली होती है गुलाब जामुन के लिए। और अब इसको ढक देंगे, 2-3 मिनट हो गए हैं बॉयल करके। अब इसको ढक के मैं साइड में रख दूंगी। अब मैं बड़ी गाइस, मैंने एक बड़ी सी ताट ली है और इसमें मैं ये प्रीमिक्स अभी डालूंगी। तो इसको पहले मैं कैंची से काट लेती हूँ। काटने के बाद इस प्रीमिक्स को निकाल लूँगी इस ताट पे, ये थाली पे, बड़ी वाली थाली पे। और इसको मैंने ये निकाल लिया है गाइस, और निकालने के बाद इसको देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी गुठली गुठली ये दिख रही है। तो इसको हाथों से मैं मिला लूँगी, थोड़ा लूज़ कर लूँगी, और इसके बाद इसका हम लोग डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने दूध लिया है डो तैयार करने के लिए। पानी भी ले सकते हैं, पर दूध ज़्यादा अच्छा रहता है, वो टेस्ट भी आता है। तो मैं इसी से अभी इसका डो तैयार करूँगी और धीरे धीरे इसमें दूध डालते जाएंगे। जितना दूध लगेगा डो बनाने के लिए बस उतना ही लेंगे, डायरेक्ट मैं नहीं डालूँगी इसमें। यहाँ पर मैंने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, थोड़ा स्टिकी है, कोई बात नहीं, इसमें हवा लगते जाता है। तो अब मैं हाथ में ले रही हूँ थोड़ा सा तेल इसके गोले बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे गोले मैं बनाते जा रही हूँ गाइस, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। देखिए कितने सुंदर गोले बन गए हैं। ऐसे मैं गोले बनाते जाऊँगी, जितने बड़े आपको चाहिए गुलाब जामुन उस हिसाब से अपने अपने गोले बना सकते हैं। तो मैं इसको बनाते जा रही हूँ अभी। अब मेरा तेल गरम हो चुका है, तो इसमें मैं बॉल्स सारे डालते जाऊंगी धीरे धीरे। और तेल को मैंने कम आंच में ही रखा है, इसको ज़्यादा फ्लेम में नहीं रखना है गाइस। और बॉल यहाँ चिपक रहे हैं तो मैं इसको पहले हिला लेती हूँ, और इसके बाद मैं बाकी सारे बॉल्स को डालते जाऊंगी। और कम आँच में ही इसको धीरे धीरे पकाना है।
और ये बॉल्स थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो नीचे तल पे चिपक भी सकते हैं, तो इसको हिलाते रहना है। सारे बॉल्स डालने के बाद अब धीरे धीरे इसको हिलाते जाएंगे और इसको हिलाते ही रहना, नहीं तो एक साइड से ये लाल हो जाएगा, एक साइड से वाइट रहेगा। तो ऐसे ही हिलाते रहेंगे हम लोग, कम आँच में ही इसको पकाना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये गोल्डन होते जा रहा है और कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पर पूरे गोल्डन हो चुके हैं। मुझे और थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, यहाँ पर ये कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे। और सब हम लोग को ऐसे ही सारे बॉल्स को तल के निकाल लेना है और गैस का फ्लेम अभी बंद कर दूँगी, नहीं तो और ज़्यादा जल जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को तल के निकाल लिया है और अब इसको चाशनी में डालने की बारी आ गई है। तो चाशनी यहाँ पर गर्म है, तो अभी एक एक करके सारे बॉल्स को चाशनी में डालते जाऊंगी। और चाशनी में देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी इसमें धुआं जैसा भाप निकल रहा है गाइस। तो मतलब ये चाशनी गर्म है और चाशनी गर्म ही रखना है हमें, ठंडी चाशनी में नहीं डाल सकते हैं और ज़्यादा बॉयल वाली चाशनी में भी नहीं डाल सकते हैं। तो मीडियम गर्म रहे वही ठीक है। और इसको चम्मच की मदद से थोड़ा मिला लूँगी और फिर इसको ढक दूँगी और 2 घंटे बाद इसको फिर देखते हैं गाइस 2 घंटे के बाद किस तरह हुआ है। ये गाइस देख सकते हैं 2 घंटे बाद यहाँ गुलाब जामुन कितने सुंदर अच्छी तरीके से एकदम फूल के तैयार हो गए हैं। पूरी चाशनी गुलाब जामुन में मतलब मिल गई है। अब मैंने बॉल में निकाल लिया इसको, तो बॉल में देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं और कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े बॉल लग रहे हैं। वाओ, कटोरी में निकाल के चम्मच की मदद से देखिए काट के मैं दिखा रही हूँ गाइस। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम अंदर से सॉफ्ट गुलाब जामुन रेडी है और चाशनी किस तरह से इसमें मतलब भर गई है देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। वाओ, इतने रसीले गुलाब जामुन के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।